हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्वेत तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर डेली 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं और ये सभी वीडियो बेस्ड होते हैं जो आपका डेली रिसेंट करंट अफेयर इंपॉर्टेंट अपडेट आता है। और ये जितने भी अपडेट हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अगर आप जीडी में जाते हैं, जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर भी बेनिफिशियल होगा। आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी बेनिफिशियल होगा। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सबको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राजीव गांधी न्याय योजना। तो इस स्कीम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उनको हम लोग समझेंगे। गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम श्वेत तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, दूसरा, आप जानते हैं कि अनअकैडमी इज द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ एग्जाम की तैयारी कराता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अनअकैडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी के ऐप के साथ आप घर बैठे हुए इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज को एक्सेस कर सकते हैं। और इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स 10। तो जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, साथ में जितने भी लेक्चर्स हैं उनका आपको PDF मिल जाया करेगा। और अगर गाइज आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का कॉस्ट जाता है 5,400 रुपये और 2 ईयर का कॉस्ट जाता है 6,480। ये जो दोनों अमाउंट है वो 10% डिस्काउंट के साथ हैं और डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा, मेरा कोड याद रखिएगा SKTLIVE। चलिए गाइज, अब हम टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के जो CM है भूपेश बघेल साहब उनके द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि किनके द्वारा लॉन्च की गई है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ के CM का नाम है भूपेश बघेल, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोग्राम है राजीव गांधी किसान योजना, ये भारत में हमारा पहला ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे ज़्यादा किसानों को फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। इनमें से किन किसानों को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये याद रखिएगा वो किसान जो गन्ने का उत्पादन करते हैं, मक्के का उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं, उनको सबसे बड़ा ये फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 21 मई को, ठीक है। 21 मई को आप जानते हैं कि 29th एनिवर्सरी थी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी साहब, ठीक है। और इस 21 मई को सेलिब्रेट भी किया जाता है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इस प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, जो कि बोला गया कि देश का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे ज़्यादा किसानों की भलाई के लिए, ठीक है, ओरिएंटेड है या डेडिकेटेड है। अब इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या है इसके बारे में देखिएगा गाइस, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा फंड दिया गया, याद रखिएगा, उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट के CM ने कि 50,000 करोड़ रुपये अमाउंट इंजेक्ट किया जाएगा। इस तरह की राज्य सरकार की कुछ योजना है और इससे पूरी जो रूरल इकोनॉमी है राज्य की वो बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है। और इस अमाउंट को इंजेक्ट करने के बाद लगभग राज्य के 1.8 मिलियन फार्मर्स को फायदा मिलेगा, ठीक है। और लगभग 1500 करोड़ की अगर हम बात करने जाएँ तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किसानों के अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला कि इतनी 21 मई 2020 को इतना अमाउंट किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में भेजा गया है, ठीक है। बाकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग फार्मर्स को कितना पैसा दिया जाएगा तो उसके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो राज्य सरकार है वह 10,000 पर एकड़ के हिसाब से उन किसानों को पैसा देगी जो कि मक्का और धान की खेती करते हैं, ठीक है। 13,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उन किसानों को पैसा देगी जो शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो पूरे राज्य में 19 लाख ऐसे किसान बेनिफिशियरी होंगे जो कि गन्ने का उत्पादन करते हैं, मक्के का उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं, ठीक है, जिनको टोटल फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा 57,000 करोड़ का। तो अगर फंड देखा जाए तो बहुत बड़ा फंड है और डेफिनेटली अगर फार्मर्स को ये फंड मिलेगा तो उनकी इनकम जनरेट होगी। फार्मर्स डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनपुट अपनी फार्मिंग फील्ड में लगा पाएंगे, जिससे डेफिनेटली हो सकता है कि जॉब क्रिएशन भी सबसे ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए डेफिनेटली ये बहुत बेटर इनिशिएटिव है, ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है ये प्लानिंग कर रही है कि
हम एक पर्टिकुलर अमाउंट पर एकर के हिसाब से, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड या नोटिफाइड किसान हैं उन लोगों को भी प्रोवाइड करने जाएं जो कि ऑयल सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या पल्सेस की खेती करते हैं। तो ये अलग से इन्होंने ये ऐड किया है कि अभी ये सरकार डिसाइड कर रही है, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, क्लियर अनाउंसमेंट की बात की है वो गन्ना किसानों के लिए, मक्का किसानों के लिए जो धान की खेती करते हैं, ठीक है। फर्दर उन्होंने बोला कि इन लोगों को भी कवर किया जाएगा जो किसान ऑयल सीड्स की खेती करते हैं, पल्सेस की खेती करते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर देखा जाए, उन्होंने ये बोला है कि ये कहीं ना कहीं स्कीम राज्य के जो किसान हैं उनके लिए एक माइलस्टोन साबित होगी, ठीक है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करने जाएगी। तो ये जो डिसीजन है उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन, ऐसा नहीं प्रेजेंट सिचुएशन, आगे आने वाले समय में किसानी की जो स्थिति उनको बहुत बेहतर करेगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि राज्य सरकार के जो सीएम हैं उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि किसानों को, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं जो ग्रास फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों को भी मनरेगा प्रोग्राम में जोड़ा जाना चाहिए। मनरेगा आप जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें तो उन्होंने बोला है कि वो सभी किसान जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं रेगुलर वर्किंग ज़रूर है। तो अभी तक हम लोग मनरेगा में क्या कार्य करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, हाईवेज हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है, या कोई कैनाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नहरों का काम चल रहा है, इरिगेशन का पार्ट चल रहा है, तो वहाँ पर वो वर्कर्स को मनरेगा में रखा हुआ है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि जो खेती में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, इन लोगों को भी मनरेगा के अंडर डाला जाना चाहिए। साथ में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी मेंशन किया कि अभी तक किसी स्टेट ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च किया हो जो किसानों के हित में रहा हो, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से ये बात भी स्टेटमेंट दिया। साथ में उन्होंने ये बोला कि इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो यही है, टू बूस्ट अप द रूरल इकोनॉमी, ठीक है, और ये इसलिए होगा क्योंकि जो अभी पैंडमिक कोविड-19 की वजह से रूरल इकोनॉमी को लॉस हुआ है, तो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी में एक सुधार आएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमाउंट है ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो स्टेट का बजट होगा उसी का ही पार्ट होगा। तो जो राज्य का बजट है 2020 और 2021 का, उसी का ये पार्ट है, 57,000 करोड़ जो रूरल इकोनॉमी को फोकस करने जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो ये हित में काम करेगा वो किसानों के हित में काम करने जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस, जितने भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ, उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आज के समय में करंट अफेयर्स सभी में आता है, ठीक है, चाहे आपका रेलवे हो, UPSC हो, State PSCs हो। तो प्लीज़ गाइज रिकमेंड दिस चैनल टू योर ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आप न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रेगुलर लिंक अपडेट मिलते रहेंगे। और ये जो मेरा वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसका PDF भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड प्लीज़ गाइज हिट द बेल आइकन, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, तो जितने भी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, ये सबका आपको पहले से ही नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर या 2 ईयर का, तो 10% डिस्काउंट को पाने के लिए मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, और मेरे कोड का नाम है SKT Live। तो वीडियो देखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।